दोस्तों यूं तो आपने बिग बॉस ओटीटी के घर में बिग बॉस को घर के सभी कंटेस्टेंट की कई बार डांट और फटकार लगाते हुए सुना होगा, लेकिन दोस्तों हाल ही में बिग बॉस ने घर के अंदर प्रतीक सहजपाल और नेहा बसीन की जो फटकार लगाई है उसे देखकर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये बिग बॉस के इतिहास की सबसे भयंकर फटकार है। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ यूं था कि घर के अंदर इस समय पांचों नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट के लिए बिग बॉस ने एक टास्क दे रखा है और इस टास्क के दौरान प्रतीक सहजपाल और नेहा बसीन डेंजर जोन में बैठे हुए थे। इस दौरान दोस्तों दोनों ही कंटेस्टेंट आपस में फुसफुसा कर बात कर रहे थे। यहाँ तक तो दोस्तों फिर भी ठीक था, लेकिन ये दोनों ही कंटेस्टेंट एक दूसरे के साथ इशारों ही इशारों में बातें कर रहे थे, जो कि दोस्तों बिग बॉस को कतई पसंद नहीं आया। और इसी मुद्दे पर इन दोनों ही कंटेस्टेंट को बिग बॉस ने घर के सभी कंटेस्टेंट के सामने ऐसा लताड़ा कि इनके चेहरे की रंगत ही उड़ गई। दरअसल बिग बॉस ने इन दोनों को फटकार लगाते हुए कहा कि आप क्यों फालतू इतनी मेहनत कर रहे हैं और क्यों इस गेम को खेल रहे हो, आप अपना माइक उतार कर फेंक दीजिए और कैमरे के सामने जाकर केवल इशारों ही इशारों में बातें कर लीजिए, ताकि दर्शक आपके इशारों को देखकर ही समझ जाए कि आप कहना क्या चाहते हो, क्योंकि इस तरीके से तो आपने फालतू ही अपना माइक लटका रखा है। लाख बार आपको टोक दिया गया है कि फुसफुसाकर बात ना करें, इसके बावजूद आप फुसफुसाकर बात करते हैं। हजारों बार आपको इंग्लिश में बात करने के लिए मना करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन अब तो आपने हद ही कर डाली और इशारों में बात कर रहे हो, जो कि सरासर निंदनीय हरकत है, और यही जारी रहेगा तो ये बिग बॉस को कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसके अलावा बिग बॉस ने तो ये तक कह दिया कि आप अपने माइक का बोझ उतार कर फेंक दीजिए और जाकर कैमरे के सामने अपने दर्शकों से इशारों में ही बात कर लीजिए और इशारा ही करके समझा दीजिए कि आप कहना क्या चाहते हो, दर्शक तो आपके हाव भाव देख के समझ ही जाएंगे। दोस्तों बिग बॉस का इतना कहना था कि इन दोनों के चेहरे की रंगत उड़ गई, यहाँ तक कि घर के बाकी कंटेस्टेंट भी काफ़ी ज़्यादा चौंक गए थे, क्योंकि दोस्तों किसी भी कंटेस्टेंट ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि बिग बॉस घर वालों को इस तरीके से लताड़ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बिग बॉस ने घर वालों की सही फटकार लगाई या गलत, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।